दिस इज़ बिश्रा खान वेलकम टू सम पॉडकास्ट जैसे कि आप जानते हैं एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है हर जगह एक ही कहानी चल रही है एक ही कहानी के चर्चे हैं बिश्रा बीबी और इमरान खान के और उसके दरमियान ना एक ट्राइंगल सा बन गया एक नया ट्विस्ट आया है और वो कुछ ही देर पहले आए कुछ ही दिनों पहले आया है तो अब ये कहानी दो बंदों की नहीं है बल्कि इस कहानी में तीन किरदार आ गए हैं और जब बात करते हैं हम बश्रा बीबी और खावर मानिका की तो जो ये दो किरदार हैं ना ये जो दिखते वो है नहीं असल में कुछ और ही है और फिर बुशरा बीबी और इमरान खान का जो स्कैंडल है उसकी जो लव स्टोरी है और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो साथ निभाया उसके दरमियान खावर मानिका कहाँ कहाँ साथ साथ रहे इस बारे में आज जानेंगे मिस्टर अब्दुल सतार खान से जर्नलिस्ट एट समा टी वी असल कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक मुझे ये बताइए बुशरा बीबी और खावर मानिका जो दिखते हैं वो नहीं है वो एक कहा है ना कहावत जो तुम कहते हो क्या सच में तुम वो हो या जो लोग कहते हैं वो तुम बनने की कोशिश ओया करते ओया हो ओया। क्या बात करके अच्छा ये खावर मानिका का जब से इंटरव्यू चला रहा हूँ, तब से ये बात अब सबके सामने नहीं आई अभी तक वो ये है जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका था मुझे कैसी बात मुझे सुनने को मिली कि खाबर मानिका और बुशरा में फ़र्क क्या है कि हम बुशरा को पीरनी अब तक समझते आए हैं बुशरा पीरनी नहीं है खाबर मानिका पीर है। अब ये एक ऐसी बात है जो ख़ानदान के अंदर विदन दी फैमिली खाबर मानिका फैमिली बुशरा फैमिली इसके अंदर से ये बात आ रही है और फैमिली के दरमियान भी इस मामले में ना बातें हैं वहाँ से कि असल में पीर जो है ना वावर मानी का बुशरा नहीं है बुशरा को कहते हैं कि नायब है मानी का की अब अगर ये बात बिल्कुल सही निकल आती है कि एक्चुअली मानी का पीर है बुशरा पीर नहीं और बुशरा नायब है मानी का की तो सिचुएशन बिल्कुल ही बदल के रह जाती है जितना हम सोचते आए हैं कि हर मामले में बश्रा बीबी बश्रा पिंकी हम लोग ये कहते आए हैं तो जो हम लोग कहते आए हैं पाँच छः साल से उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा अब ये बात पूरी तरह बाहर निकलती है नहीं निकलती अंदर रहती है ये बड़ा अजीब सा है उसके साथ साथ एक और चीज़ का होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि हर चीज़ का जिसको पता होता है मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी हैरत की बात यही लग रही है महसूस हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का नहीं पता कि पीर तो खबर मानी का है बुशरा बीबी उसकी नायब है पहले हमें और मुझे नहीं पता इस कि मतलब आप कहना चाह रहे कि इससे साफ कंधे पे बंदूक रख कर चलाना हैं। हाँ इससे साफ जाहिर होता है कि अगर खबर मानिका पीर इमर्ज हो जाता है ये बात फाइनलाइज हो जाती है कि खाबर मानिका ही पीर है और बुशरा उसकी नायब है तो फिर ऐसे ही लगेगा कि थ्रू आउट जब से काम शुरू हुआ है इसका मतलब है हर चीज़ तो लॉन्च खाबर मानिका ने की थी और उस चक्कर में खावर मानिका ने बश्रा को भी लॉन्च किया और फिर ये है कि खावर मानिका पीर है और बश्रा बीबी इमरान खान उसके मुरीद हैं अब खावर पीर है और उसके मुरीद कौन हैं बश्रा और इमरान ख़ान ये जो स्टे ये जो इंटरव्यू सामने आया है इसमें मुझे खावर मानिका पीर साहब हैं मुझे बड़े कमज़ोर से लगे हैं कि पीर इतना कमज़ोर नहीं होता अब पीर को नहीं पता कि उसकी बातों से उसके मुरीद जो हैं बुशरा जो उसकी बेगम भी रही है और इमरान ख़ान जो वज़ी अजम पाकिस्तान भी रहा इनको कितना डैमेज वो कर सकता ये बातें ये इंटरव्यू कितना डैमेज कर सकता जो खान मुखालिफ है जो इमरान ख़ान का मुखालफ कैम्प है या इस्टबलिशमेंट है उससे कितना फ़ायदा उठा सकती हैं पब्लिक परसपशन पर कितना इसका असर जाएगा तो ये जो पीर का है इसमें ये है कि जो ख़ानदान में बात हो रही है इस वक्त जो बाहर नहीं आई बाई चांस समझना है कि मेरे सामने बात होगी किसी की उसमें यह था कि जिस दिन इलेक्शन हुए 25 जुलाई 2018 को उस दिन एक कोई कमरा था उस कमरे में बाकायदा मानी मानिका पीर के तौर पर बैठा हुआ था और बुशरा और इमरान ख़ान मुरीद के तौर पे बैठे हुए थे और तीन चार फैमिली के बहुत करीब लोग बैठे हुए थे और उस दिन इन्होंने कोई काले बकरे लंबे चौड़ी तादाद में काले बकरे जलाए थे किसी ऐसी जगह पे जलाए थे जहाँ से आपको या मुझे या शहर में रहने वालों को या कस्बे में रहने वालों को ना पता चल सके तो ये एक ऐसी बात है कि अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है जो ख़ानदान में इस वक्त बात चल रही है ख़ानदान में इस वक्त बात चल रही है कि असल पीर तो खावर मानी का है तो उसकी नायब है तो आगे जो सिलसिला बना जब से बुशरा बीबी मिलती है इमरान ख़ान को तो इसका मतलब है लॉन्च तो सारा ये जो ऑथर है इसका इन्वेंटर है जिसने ऑर्गेनाइज़ किया तो वो तो खबर मानी का है अब खावर मानिका ने सारा ऑर्गेनाइज किया और खावर मानिका टी वी पर आके कहता है कि जनाब इसने तो मेरी बेगम ने मुझे दगा दिया इमरान ख़ान ने मुझे दगा दिया इमरान ख़ान मुँह उठा के मेरे घर आ जाता था और फिर मैं जब फ़ोन करता था मेरी बेगम मेरा फ़ोन नहीं सुनती थी तो ख़ानदान में ये बात हो रही है कि जब जब इमरान ख़ान घर आया है जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो सरे तस्लीम ख़म करते हुए खाबर मानिका मौजूद होते थे अब मानी का जिस तरह का तासर हमें दे रहा है लोगों को दे रहा है पब्लिक परसप्शन बना रहा है उसमें तो बिल्कुल अजीब सी बात लग रही है कि जैसे कोई बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी अब इसमें एक और बात कर दो इब्ता कहाँ से हुई होगी इब्ता यहाँ से हुई होगी कि एक एंकर है टीवी एंकर रही है उसका नाम है रिहान खान रेहम ख़ान मेरे साथ शो में इतनी मरतबा बैठी कि लोगों को ये तसर मिलना शुरू हो गया था कि या तो रेहम ख़ान मेरी को एंकर है या मैं रेहम ख़ान का को एंकर हूँ तो रेहाम खान की शादी हुई इमरान ख़ान से अब वो चलनी तो चाहिए थी शादी मसा मतलब मेरी नेक ख्वाहिशात भी ये थी कि शादी हो गई है तो शादी को चलना चाहिए शादी ज़्यादा अरसा नहीं चली नौ माह बाद तलाक हो गई तलाक किसकी वजह से हुई थी रेहम खान की इमरान खान से तलाक किस की वजह से हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो है रोल जो है जो पार्टिसिपेशन कह लो या इन्वॉल्वमेंट कह लो या हिस्सा कह लो वो खाबरमानी का था अब उस वक्त से लेकर आज तक जो चीज़ हम इंटरव्यू में देख रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमें कोई ऐसी बात बता रहा है जो ख्वाब में या ख्यालों में आती हो क्या आप सोए हुए हैं सोते हुए आप चीज़ सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं वही चीज़ें सुन रहे हैं वही बातें सुन रहे हैं जो खबर मानी का टी वी पर बता रहा है ऐसा नहीं है खार मानी का पार्ट एंड पार्सल रहा सारे के सारे प्रोसेस का जितना प्रोसेस चला है सारे के सारे के प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल रहा है और ये कि जब हुक्मरानी थी इमरान खान की जब रूलर था इमरान खान तो मज़े सब करते हैं जो करीब होते हैं बहुत तो बहुत करीब तो बुशरा थी फरा गोगी थी और ख़ारमानी का था और भी लोग थे कैबिनेट के भी लोग थे इमरान खान के अपने भी दोस्त थे लेकिन ये सबसे ज़्यादा करीब ये तीन लोग थे तो इन्होंने मज़े तो किए होंगे अब जो जो चीज़ें बाहर निकलेंगी आएंगी किसी जर्नलिस्ट के हाथ कोई डॉक्यूमेंट लग जाएगा किसी मीडिया पर्सन के हाथ कोई चीज़ लग जाएगी तो उसमें अगर खबर का पाए जाते हैं तो ये कैसी बात कर रहा था खबर मानी का कि मैं घर में जाता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था तो इमरान खान आए होते थे तो फिर मेरी बेगम के साथ उन्होंने कहानियाँ बना ली जिसका मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा बुनियादी तौर पर खबर मानी का उस वक्त एक ज़रूरतमंद था आज अचानक पता नहीं गैरतमंद क्यों हो गया और ये गैरतमंद होने के पीछे भी कहानी यही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट हाथ डालती है जब बंदा पकड़ा जाता है उससे पता चलता है कि मेरे सख्त और कड़े दिन मेरे सर पर मंडला रहे हैं तो फिर बंदा थोड़ा सा इस तरह हो ही जाता होता है उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसे झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उसके झूठ बोलने से कंप्रोमाइज़ करने से बड़ों को फ़ायदा हो रहा होता है और जिनको फ़ायदा हो रहा होता है वो इस वक्त हेलम ऑफ द अफेयर में है ऑब्वियस बात है तो खावर मानिका का इस तरह से टी वी पर आके बोलना जबकि वो खुद और इसके अलावा खावर मानिका के ख़ानदान के लोग कहते हैं कि खावर मानिका ने दो मरतबा बड़ी सीरियस की थी कि पाक पतन वहाँ भी एक मज़ार है जिसके पूरे पंजाब में धूम है उसके जो जद जो गद्दी नशीन नहीं होते उनकी जगह पे आने की कोशिश की थी खाबर मानिका ने अब खावर मानिका को अगर ये था तो मुझे अब बुशरा से कोई डर नहीं लगता मुझे डर लगता है, तो मुझे खावर मानिका से डर, डर लगता है उसकी वजह पीर से डरना चाहिए मैं आज तक सहमा रहा कि ये बुशरा जो है ना ये ना हो कि किसी दिन कोई मंत्र शंत्र करे तो मेरा कितने कोट ही ना नीले रंग का कोट हो तो पीले रंग का हो जाए ये डराने के लिए काफ़ी होता है अगर आपने जो कोट पहना हुआ है इसका रंग कुछ और हो और अचानक इसका रंग बदल जाए तो आप डर जाओगे बहुत ज़्यादा डर जाओगे ज़्यादा हो जाओगे आपने कोट पहना हुआ पहने हुए कोट का रंग बदल गया तो मैं इस तरह से लेता था अब ये है कि खावर मानी का, अब ये बात जो है ना ये ख़ानदान के अंदर है बात यानी कि खावर मानी का के बच्चे या बुशरा के बच्चे दोनों के बच्चे उनमें ये बात और फिर ख़ानदान के अंदर ये बात कि जी ये तो असल पीर तो खाबर मानी का है हम सारे ही मुरीद हैं मुरीद कौन कौन है बुशरा भी मुरीद है बुशरा को नायब का वो दर्जा देते हैं और इमरान ख़ान मुरीद है तो इमरान खान को नहीं पता होगा इमरान ख़ान को इस बात का नहीं पता होगा कि बुशरा तो नायब है खाबर मानी का पीर है अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि झटका देगी जब मैंने सुना तो मुझे भी झटके लगे थे कि इसको मैं कैसे प्रज्यूम करूं कि खावर मानी का पीर है असल में और बुशरा नायब है उसकी अगर बहुत अजीब सी बात हो जाती है और पीर साहब आगे टी वी के शो में जिस तरह की उसने बातें की वो तो ऐसे ही साफ था कि यार ये पहले क्यों नहीं बात की इसने जब ये मामला शुरू हो रहे थे तो क्या खावर मानी का में इतनी मॉरल करज नहीं थी कि वो ये भी कहता कि रेहाम ख़ान और इमरान ख़ान के मामला जो गड़बड़ हुए उसमें और बहुत से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होंगे लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो सब्सटेंशन अमाउंट वाला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो ख़ुद ख़बर मानी का थे मेरे ख्याल में शाहजैब ख़ानजादा ने कदा छोटा सा सवाल इस तरह से किया भी था कि रेहम खान और इमरान के दरमियान उसको ख़बर मानी का टाल गया था ले कर आगे निकल गया था अगर वो थोड़ा सा उसको उसमें इंगेज होया था तो, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई हिंट स्ट्रॉन्ग हिंट ड्रॉप कर दी कर हो जाता जिसको शाहजैब ख़ानजादा पकड़ लेता तो अब इस सूरत हाल में जिस सूरत हाल में ये बनती है कि खामर का इमर्ज फाइनली इमर्ज एज रियल पीर एंड बुशरा इज नायब बिल्कुल अब ये जो कुछ भी हुआ इतजार में इमरान आ रहा है और पहले दिन जब 25 जुलाई उन्नीस दो हज़ार अठारह में एक कमरे में जब ये सब कुछ हो रहा था तो दोनों मुरीद थे जिनको मुरीद ख़ानदान वाले मुरीद कहते हैं बुशरा एंड इमरान ख़ान और पीर कौन है खावरमानी का अब पीर कमज़ोर निकला इस तरह से निकला कि उसने बहरहाल टी वी पर आके वो बात की जो इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आएगी जो इमरान ख़ान के मुखालकों को भी पसंद आएगी और पब्लिक परसेप्शन में भी जाएगी टी वी वालों को भी पसंद आएगी मीडिया को भी पसंद आएगी मीडिया के पास इशू आ जाएगा उसको ले कर चलेंगे अब ये बात का हमने देखना है कि फाइनली

उनके यहाँ ये बात पनप रही है वो ये ख़तरा महसूस कर रहे हैं या ख़दशा महसूस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ये ना हो कि बुशरा भी टी वी पर किसी टीवी टी वी पर आ जाए और फिर वो कोई अपनी बात ऐसी करे जो बहुत ही डैमेजिंग हो अब वो डैमेजिंग कितनी होती है खबर मानिका के लिए भी होगी लेकिन उसमें ये है कि इमरान खान जो है ना वो हर दो सूरतों में डैमेजिंग उस पर इफ़ेक्ट जाएगा इम्पेक्ट डैमेजिंग होगा इमरान ख़ान पर क्योंकि इमरान खान चाहे बुशरा हो चाहे खावर मानी का हो इमरान रिसीविंग एंड पे होगा ये जो मामला चल रहे थे इसका मतलब है कि इमरान बड़ा ज़ीफ़ात किस्म का आदमी है जो पीरों पे, मुरशद के ऊपर मुरीद के ऊपर उसका बहुत एतक़ाद बढ़ गया और उसने उसका रिजल्ट भी देखा ये भी कहते हैं कहते हैं कि चाहे इस्टेबलिशमेंट लेके आई इमरान ख़ान को दो हज़ार अठारह में लेकिन इमरान के बैक ऑफ दि माइंड में ये भी था कि ये बुशरा और खावर मानिका की वजह से हो रहा है ये भी बड़ी बात थी जो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी फील कर रही होगी बाद में ज़रा ज़रूर से ज़्यादा फील किया कि लाए तो हम हैं इसको तो ये समझ रहा है या यकीन कर रहा है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो खावर मानिका और बुशरा वो हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को बात नहीं लगी होगी अगर आप मुझे ले आती हैं फोर फ्रंट पे और मैं साथ ये बात समझूं, यकीन करूं कि जारा का भी हाथ है तो आपको तकलीफ होगी वक्त आने पर पेश हो सकता है कि आप अपना गुस्सा एक तरीके से निकालें कि सत्तार खान को लाने वाली मैं इस जगह पे बिठाने वाली मैं यहाँ तक पहुँचाने वाली बात करने वाली बात है ना? तो ये बीच में जारा का भी जिक्र करता है तो ऐसे ही हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ले आई फ़ौज इमरान ख़ान को ले आई लेकिन इमरान खान के बैक ऑफ दी माइंड ये भी चीज़ थी कि मुझे यहाँ तक लाने में बुशरा का और खावर मानिका का हाथ है वरना बुशरा और खावर मानिका को जो प्रोमिनंस मिली मतलब बुशरा को तो सामने सामने मिली सब को समझ आई उसकी अहलिया थी खातून अव्वल थी खातून अवल कौन होती है जो प्राइम मिनिस्टर या सदर की बेगम होती है अहलिया होती है वो तो थी ये खावर मानी का एक वो जैसे होता है ना कि हमारे टीवी में कि मेरा चेहरा ना धुंधला सा आ रहा है या तुम्हारा चेहरा धुंधला सा आ रहा है है तो मैं पता होता है कि गड़बड़ हो रही है ये धुंधलाए हुए चेहरे के साथ खावर मानी का रह रहा था कि चेहरा तो आ जाता था लेकिन थोड़ा ब्लर सा आता था बड़ा मेरे ख्याल से जान कर किसी स्ट्रेटजी के तहत फ्रंट फील्ड पे नहीं आ रहा था प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था अब देखे ना कैसे सामने आए अच्छा इसमें एक और बात मैंने कल आपको एक नाम बताया था बुशरा और इमरान के घर जो बच्चा पैदा होंगे साद एक का नाम साद होगा दूसरे का नाम होगा अच्छा अच्छा फाद जो नाम है ना वो खबर मानिका ने रखा था ये आपको कैसे पता है कैसे मालूम है मीडिया पर्सन जो होता है ना देखो मीडिया पर्सन के सामने जब बात करते हो ना तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोस्टली मोस्टली या तो दस्तावेजाती सबूत के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है या फिर ऐसा होता है कि मुझे जनरल आसिम मुनीर एक बात बता दें अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं इसके साथ साथ वो तो ठीक तो है ऑब्वियसली सीनियर पर्सन आपके पास होगी इन्फॉर्मेशन तो किसके पास होगी साध और फहद ये जनाब इन्होंने रखे हैं अभी कि चलो फ्यूचर प्लानिंग्स थी क्या उनको इस नहीं, बात नहीं, का... ये जब शादी हुई थी हुँ. अभी नहीं ये जब शादी हुई थी तो कहा गया था कि बच्चों के नाम ये होंगे फाद के हवाले से ये नाम था कि फाद को फिर बकायदा एक इस तरह से प्रोजेक्शन दी जाएगी कि वो आने वाले दिनों का मुस्तकबिल का वो पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी कोई वो बरगजीदा शख्सियत बन जाएगा नहीं

बेटियों का था ये कि जब बेटी होगी तो कोई ना कोई नाम रख लेंगे बेटों के लिए नाम मखसूस थे फाद और साथ अब ये भी है कि ये चीज़ आप शादी जब शादी करते हो, होमूमी तौर पे हमारे घरों में ये देखने में आता है कि हम जब हमें उम्मीद होती है ना कि औलाद आने वाली है तो हम नामों की तरफ़ जाना शुरू कर देते हैं ये होता है अभी औलाद हुई नहीं होती लेकिन हम नामों की तरफ़ जाना शुरू कर देते हैं बल्कि कई जगह पे तो ये देखने में आया कि लोग बाकायदा इन बे कंसल्टेंट कह लो कि जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है नामों के हवाले से उनकी तरफ रजू करना शुरू कर देते हैं कि खुशखबरी आने वाली है तो अगर लड़का हो तो क्या नाम रखें और लड़की हो तो क्या नाम रखें जैसे मेरे तीन बच्चे हैं तो जब मेरे बच्चे हुए तो एक मेरा दोस्त था सीनियर जर्नलिस्ट था वो और उसकी बेगम जो थी वो इस मामले में बहुत थी नामों के मामले में मेरे तीनों बच्चों के नाम उन्होंने रखे क्या नाम है आपके तीनों बच्चों के एक का नाम फारकुलीत है अब आप पूछोगे फारकुलीत का मतलब क्या है वो तो मैं बाद में पूछूंगी पहले लिस्ट कंप्लीट करें आ, दूसरे का नाम अयून है तीसरे का नाम मिराल है इतने डिफिकल्ट और इतने यूनिक नाम। नहीं फारकुलीत मुझे नाम ढूंढने को काफ़ी मुश्किल पेश आई कि किसी और का फारकुलीत नाम है तो आलिया रशीदा जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की स्पोक्स पर्सन है वो मेरी कुलीग रही है आलिया द न्यूज़ में तो आलिया ने मुझे एक दफा बताया था कि रमीज राजे के बेटे का नाम फरकुलीत है आ, वो उसे फारी भी। कहते हैं क्या मीनिंग क्या है फरकुलीत का फरकुलीत अ मैन हु पोजेस द क्वालिटीज ऑफ मोहम्मद ओह oh, नाइस nice. तो आप उसको पूरा नाम उसका पूरा नाम बुलाते हैं जब उसको बुलाना हो फारी कहता हूं

कि वो इस अंदाज में बुशरा और इमरान को याद करे अब देखा जाए अगर कोई कोई भी बंदा हो माने जाओ वो इस तरह गुफ्तु नहीं करेगा अपनी बेगम के बारे में नहीं करेगा, बेगम। नहीं करेगा करेगा अगर करनी होती तो पहले दिन ही कर देता पहले दिन ही बोल पड़ता कि जनाब ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है और ये सारा जो इद्दत की मुद्दत पूरी कराई गई है कहा हुई पूरी इद्दत की मुद्दत इद्दत पूरी कराई डेढ़ महीने की थी उसके बाद तो उनका निकाह हो गया बात तो सुन लो ना इद्दत की जो मुद्दत पूरी कराई गई है वो भी खानदान वाले कहते हैं वो खावर मानिका ने अपने फार्मूले के हिसाब से की है अपने उ... फतवे इनके अपना फार्मूला कोई फार्मूला है जिसके तहत उसने इद्दत की मुद्दत मुकम्मल कराई जो बाद में इमरान खान के गले पड़ी हुई है ठीक है अदालत में केस है बीच में जो विटनेस होते हैं आई विटनेस होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं जो कह रहे हैं कि इ्जत पूरी नहीं हुई थी जब ये बताए ना आगे क्या होगा फिर क्या लगता है आपको आगे क्या हो सकता है एक बात है इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना मोहब्बत में मैं उसे कहता हूँ वो इश्क है वो कैफियत है ठीक है उस कैफियत से निकलना उन लोगों के लिए अच्छा खासा मुश्किल होगा इसके बावजूद के बुशरा की खबर मानिका की इस तरह की बातें भी बाहर आ जाएं बहुत मुश्किल है। अब आपने इनको हमने निको निकालना रही है। अब मैं तो, तो रह गए तो, तो नहीं चाहिए पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि कैफियत अगर सियासत के मामले में आप कैफियत में चले गए प्रैक्टिकल ये नुकसानदेह होता है पूरे मुल्क का मुल्क में रहने वाले लोगों का अगर आप कैफियत में चले गए अगर आप कैफियत में जाए बगैर पसंद और नापसंद की एक लिमिट होती है सियासत में क्या आपने पसंद और नापसंद को अपनी लिमिट में रखना है उस लिमिट में रहते हुए अपनी पसंद नापसंद खेलते रहे ठीक है मतलब मैं अगर जब वोट डालता हूँ किसको है जिसको मैंने वोट नहीं डाला जितनी इस बड़ी जमात है किसको डालेंगे आप मैं क्यों कहूँ मैंने सब बड़ी ज, बड़ी जमातों को यादता की मैंने जमात इस्लामी को भी वोट डाला मैं हुआ कह रही हूं, है इस बार किसको डालेंगे तो मैं एक जमात को नहीं डालता मैं डालता रहता हूं और मेरे मेरे वोट डालने का क्या होता है जब मैं बैलेट बॉक्स में वोट डालता हूं तो मैं यही कहता हूं कि जिस तरह बाकी उम्मीदवार है ये भी वैसा ही है बड़ा कोई आपने स्मार्ट आंसर दिया ये भी ऐसा ही है आपने कैंडिडेट को वो जो समझ के आप वोट डालते हो ना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आपने ये समझा कि जिस तरह के बाकी कैंडिडेट हैं ये भी वैसा ही है नहीं तो फिर आप डालते कि बंद करके क्या नहीं बैलेट बॉक्सेस परे हुए अभी आपने कहा कि मैं ओ भाई मैं समझ के ना कि ये जिस जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ इसमें और बाकी कैंडिडेट में कोई फर्क नहीं है आप बात को समझ नहीं रही मेरे ख्याल में आप लोग जो लोग यहाँ पे वोट डालते हैं ना जिसको वो समझते हैं ये रहेगा तो मुल्क रहेगा ये आएगा तो हम बचेंगे वो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए पूरी दुनिया में ये पैटर्न नहीं है

नहीं जर्नलिज्म खत्म हो जाती ना अगर आपने सियासी जमातों का साथ देना है तो जर्निज्म खत्म छोड़ के फिर मतलब भी तो एक वोटर हूँ वोटर ने ये सोच के वोट नहीं डालना होता जिसको वो वोट दे रहा है वो आखरी है इस तरह जहा जहाँ ये अप्रोच हुआ है वो मुलतब हुआ चले खेल ये तो एक ऑन गोइंग डिबेट है और अन्य और हमारी ये जो पॉलिटिकल डिबेट है वो चलती रहेगी कुछ चीज़ें जो आप नहीं मानेंगे कभी कुछ चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आप मान जाएं और कोशिश करूँगी कि अगले पॉडकास्ट पर जरा ये मान जाए पता चल जाए कि इनके ज़ेहन में क्या चल रहा है आने वाले इलेक्शन के बारे में और ऑफ़ कोर्स इस स्कैंडल इस लव स्टोरी के बारे में अगर बात की जाए तो कि अब ट्राइंगल सा बन गया है खावर मानिका बुशरा बीबी और इमरान खान इसके बारे में मजीद बात करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्ट है क्योंकि अभी तो स्टार्ट है you never know what will just stay tuned with us thanks to you as well busha khan's leaving now but do not forget to share like and subscribe our sama podcast till then bye bye